खसरा ते रवेला बीमारी बन सकती है मौत का कारण, जिला टीकाकरण अफसर डॉक्टर मनाक्षी सिंगला ने दी जानकारी। अज बठिंडा के सिविल सर्जन दफ्तर विखे जिला टीकाकरण अफसर डॉक्टर मनाक्षी सिंगला ने कहा कि सानू खसरा ते रवेला बीमारी तो इन्हां दे टीके जरूर लगाने चाहिए हैं। यह 0 to 5 साल तक के बच्चों लगते हैं। पहला टीका 9 महीने लगता है, तो उस तो बाद टीका 16 महीनों तो बाद लगता है। ये टीके जरूर लगाने चाहिए हैं क्योंकि यह इन्नी खतरनाक बीमारी है कि इस दे नाल मौत भी हो सकती है। जी मैडम, की नाम तुहाडा ते किस तरह दी तैयारियां ने रवेला ते? मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह हां, जिला टीकाकरण अफसर बठिंडा। हुण एमआर नूं लैके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वल्लों इक टीचा आया है कि 2023 तक 100% टीकाकरण एमआर दा कीता जाएगा। इस दे विच साडे बठिंडा जिहड़ा हैगा उहदी 2022 तक 89% फर्स्ट डोज ते 87% सैकेंड डोज लग चुकी है। इस दीआं एमआर दे दो टीके लगदे हन। पहला टीका जिहड़ा हैगा 9 months to 12 months, यानी कि जदों बच्चे दा फर्स्ट बर्थडे हुंदा उस तों पहला टीका लगदा है, ते जिहड़ा दूसरा टीका है उह 16 to 24 महीनों दे अंदर लगदा है। पर जेकर किसी बच्चे नूं इह टीका इन्ना टाइम दे विच नहीं लग्या तो 5 साल तक इह टीका लगवा सकदा है। इह टीका सारे सरकारी हस्पतालां दे विच बुधवार दे दिन फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। असी कुछ केसिस पॉजिटिव आए हैं, जिस तरह के आते रहते हैं, असी मीजल्स नूं खसरा कहने, छोटी माता भी आम भाषा दे विच कहा जाता है, जिदे विच बच्चे नूं की हुंदा हैगा, उन्हूं बुखार आंदा है ते पिंडे ते लाल दाने निकल आंदे हन, जां उस दे विच अखां दे विच भी इनफेक्शन हो सकती है, जां मूंह दे विच चिट्टे गल्लां दे अंदर चिट्टे चटाक पै जांदे हन। इन्हां दे विचों कोई भी सिम्पटम बच्चे नूं होवे तां उस नूं खसरा है, इस दे टीकाकरण जरूर लगाया जाए। इस तरह सुंदर वल्लों जी आपां प्रबंध कीते गए है। इस दे विच इस नूं खत्म करने वास्ते जिला प्रशासन वालों डीसी साहब दे नाल मीटिंग कीती गई, जिदे विच उन्हां ने दूसरे डिपार्टमेंट्स दी नूं हदायत कीती, जिस तरह के ICDS डिपार्टमेंट आंगनवाड़ी सेंटरां नूं, जिथे कि 3 साल दे बच्चे हुंदे हन, भी तुसी अपना टीकाकरण सुनिश्चित करवाओ। उस तों इलावा प्री प्राइमरी स्कूल जिन्हां दे विच छोटे बच्चे हुंदे हन 5-6 साल तक दे, भी ओह भी अपना टीकाकरण उन्हां दे जे DOs नूं इनवॉल्व कीता गया है ते उन्हां दे हैड्स तों लिस्टां लईआं गईआं हन, भी तां कि असीं हैड काउंट करवा के कोई भी बच्चा इस टीकाकरण तों ना रहि जावे। उस तों इलावा मेन जिहड़ा हैगा पट्ठे, जिथे के बच्चे जिहड़े हैगे नेगे बिल्कुल ही अनइम्यूनाइज्ड अनवैक्सीनेटेड रह जांदे हन, उन्हां नूं भी इनवॉल्व कीता गया है ते डीसी सर वालों उन्हां नूं भी हदायतां दित्तियां गईआं हन कि इन्हां दे नाल कोऑपरेट कर। इन्नी इह आपां बीमारी खतरनाक है। मीजल्स खसरा जिहड़ा हैगा इह जानलेवा हो जांदी है जदों इस दी कोई कॉम्प्लीकेशन आ जांदी हैगी है। कॉम्प्लीकेशन दे विच इह हैगा इह दिमाग नूं भी कई वारी पैन एनकेफलाइटिस कर दिंदा हैगा, निमोनिया करदा हैगा। जेकर एक वारी बच्चे नूं कॉम्प्लीकेशन हो जावे तां इह बिल्कुल जानलेवा बीमारी बन जांदी है। जी सर, की नाम है तुहाडा ते की कहना चाहुंदे जी? इह आपां रवेला बीमारी किस तरह दी इलाज है? तो मैं डॉक्टर सतीश जिंदल, बच्चों के रोगों के माहर ते सीनियर मेडिकल अफसर इंचार्ज वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल। MR की जी आप गल करते हैं, बेसिकली दो बीमारियों वास्ते, मीजल्स ते रवेला। इन्हां दे विचों मीजल्स बीमारी जी है खसरा, जिन्हों असीं पंजाबी च कह दिंदे हां, वो संबंध में है। साडा अजकल टीकाकरण MR का टीकाकरण का टीचा 100% करन लई असीं वचनबद्ध हां, ते उहदे लई असीं जिहड़ा सारा प्रोग्राम साडा जिले का है उसके मुताबिक असी जो प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। खसरे की बीमारी पिछले कुछ दिनों आप पढ़ा है कि मुंबई के भी कुछ केसों के वाधा होया, मुंबई करके जिहड़ियां होने वाली मौतों ने जां कंप्लीकेशनस है उन्होंने रोकने वास्ते इस टीकेकरण ते दी मुहिम ते जिहड़ा जोर दिता जा रहा है। ये टीके 2 बारी लगते हैं। पहला टीका जो बच्चा 9 महीने का होंदा उदों लगाया जाता है, उस तो बाद जो बच्चा 16 to 24 महीने के होंदा सैकेंड डोज उदों दित्ती जाती है। कोविड के टाइम के थोड़ा जहा वैक्सीनेशन का टीचा थोड़ा बहुत घटिया, क्योंकि कुछ बंदी करके या इन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शन करके बच्चों का टीकाकरण शायद उन्ना नहीं होया, पर उसनों डेफिसिट नूं असी पहला भी इंद्रधनुष के प्रोग्राम के तहत वह टीचा पूरा किया।
हूँ भी जिहड़े बच्चे इन्हां टीकियां तों रह गए ने जां जिहड़े बच्चों के ड्यू हो गए उन्हां प्रति असी एक डीसी साहब नाल भी दो तीन दिन पहला मीटिंग की थी सी ते अपने जिहड़े ब्लॉक दे विच भी असी सारे जिहड़े स्टेक होल्डर्स ने उन्होंने मीटिंग करके एम आर दे कैंपेन नूं दुबारा स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अज 100% टीचा जिहड़ा है वह हासिल कर सकते पंजाब दे विच भी किस तरह दी आए इस तरह की आंदे ने कल परसों भी संगत ब्लॉक दे विच भी खसरे का पेशेंट जिहड़ा है वह पॉजिटिव आया है ते इसे तरह यह रिस्क रहिंदा तां कि असीं बेसिकली हुण एलीमीनेशन वाले पासे असीं वध रहे हैं कि 2030 तक असीं इस बीमारी नूं जिवें पोलियो पिछले 11 सालों तो कोई मरीज नहीं आया तां हुण खसरे नूं भी एलीमीनेट करन वाले पासे सरकार जिहड़ी है उह जा रही है ते इस टीचे नाल असीं अगर 100% टीकाकरण नूं यकीनी बना लईए तां आने वाले कुछ सालों च असीं इस बीमारी तों पूरी निजात पा सकते हैं ते इक चंगा जिहड़े बच्चे दे टीका नहीं भी लग्या तां नाल दे नाल नेड़े दे सेहत संस्थान दे विच आ के सरकारी हस्पतालां दे विच टीका फ्री लगदा है उत्थे आ के ये टीकाकरण लवाया जावे तां जो खसरे दी बीमारी तों असीं पूरी तरह निजात पा सकीए।